9000 रुपए आएगा कहाँ से? सबसे भीख मांगना पड़ेगा। हेलो गाइस, दिस इज दीपक मोरे, आई एम बैक टू द व्लॉग। तो भाई आज बहुत काम है, मतलब ऑफिस का काम है, उसके बाद बिल्डर का ऑफिस जाना है, प्रीमियम भरने, उसके बाद फिर मैगी का ऑफिस, शायद फोन बनाने भी आज चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ऑफिस का काम तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, अभी वापस जा रहे हैं। ऐसा लगा था कि अभी हम जस्ट आए थे और अभी ऐसा लग रहा है कि वापस जाना पड़ रहा है चेक देने के लिए, कि मतलब ये महीना खत्म होता नहीं कि इनका प्रीमियम आ जाता है कि भाई आके पैसा भर दो। जा रहे हैं अभी वहीं पे। देख लो भैया ये ऑफिस, इसको हम लोग ने बहुत अमीर बनाया है, हम लोग ऐसे बहुत अमीर बनाई है। एक चीज तो है भाई, घर लेने के बाद ऐसा होता है ना कि हाँ भाई ये नेक्स्ट मंथ वो चीज ले लेंगे, ये चीज ले लेंगे, और सब सपने दूर हो जाते हैं जब महीने का पेमेंट कर लेंगे, यही आता है स्टेटमेंट। तो वही है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन एक बार घर हो जाएगा तो घर में बैठ के एडिटिंग करने में मज़ा आएगा, घर में बैठ के ब्लॉगिंग करने में मज़ा आएगा। तो देखते हैं भाई, धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। भैया दिन भर तो काम किए हैं, अभी जा रहे हैं मैगी का मोबाइल बनवाने के लिए। मतलब पहले हमने सोचा कि सेकेंड हैंड लगवा, मतलब सेकेंड हैंड बोला सोच बाहर से लगवाएं, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी एक महीना ही हुआ है, बाहर से लगवा देंगे तो लोग वारंटी पूरा खत्म हो जाएगा। तो जाने तो 9,500 रुपये जाने तो लगवा लेंगे। ये बॉक्स अभी हम रख दिए थे उस दिन, अभी लेके निकलते हैं। मैगी बहुत पैसा गया जितना डिस्काउंट मिला था सब इसको वापस डिस्काउंट खींच लिया गया कंपनी ने, वेरी स्मार्टली डिस्काउंट खींच लिया। चलो ठीक है, अब क्या ही करें, कंपनी को हम लोग ऑफर इस पे चालू है जो अभी तो अभी आज तो ये खाली इतना दिख रहा है, कुछ मर जाएगा ही। चलो सर अभी तक पैसा बताया नहीं, 9,700 खाली अप्रोक्सीमेट बताया, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, आगे ना हो यही भगवान दिल से इच्छा है। अभी एक और सदमा बोला है, उस पे किसे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो था वो स्कैनर के लिए ही बोला एकदम ऊपर, मतलब वो किस डिस्प्ले के ऊपर था, मैं तो बोला था तो भाई मैगी का फोन बनाने के बाद हम लोग स्टिंग पी रहे हैं फर्स्ट टाइम, देखते हैं कौन सी एनर्जी आएगी मैगी इसके बाद ना मोबाइल बनाने का मोबाइल देने का लो हो गया, एनर्जी एनर्जी चाहिए। माल एक सिप देखो रिएक्शन क्या टेस्ट है, अच्छा है, अच्छा है। मैगी बेचारा सोच रहा भी वो 9,000 रुपये आएगा कहाँ से, 6 दिन का टाइम है तुम्हारे पास मैगी, सबसे भीख मांगना पड़ेगा एक भाई मैं प्रण ले रहा हूँ, हाथ में जल लेके हाथ में जल लेके प्रण ले रहा हूँ कि जिस दिन ये पंखा लगेगा दुकान में उस दिन मैं दुकान में एंटर करूंगा, अदरवाइज यहीं पे खड़े मत करना, जरूरत ही नहीं है। नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जरूरत ही नहीं है, वही तो, ये तो एक्सक्यूज दिया जा रहा है, छोटा बहन होके भी चालू कर रहा है, किसके लिए लगाऊं मैं, क्यों नहीं किया भाई, वो इंसान अलग है, हम इंसान अलग है भाई, वो इंसान का भाई, वो इंसान का मशीन है गर्मी निकालने के लिए, हम लोग के पास गर्मी निकालने के लिए मशीन नहीं है। थोड़ा सा तबीयत खराब लग रही है तो अभिषेक के पास भी थोड़ा सा गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग पंखा नहीं चालू करके रखे थे, तो हम वहाँ से भी वापस आ गए, बोले यार गर्मी में बैठ के फायदा नहीं है, सर्दी हुई है, लग रहा है सर्दी हुई है। और भाई आज मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, पैसा पैसा पैसा, जैसे आपने देखा कि मैंने सब मतलब या मैं थोड़ा सा अर्निंग थोड़ा मतलब उन सब में से सबसे अच्छा अर्निंग कर लेता हूँ, लेकिन मेरा भी सब पैसा खत्म हो जाता है। तो वो पंखा क्यों नहीं लगवा पा रहा है, क्योंकि पैसा उसको आईफोन का जिससे लेके उसने आईफोन लिया था, मैगी का फ़ोन में पैसा, मेरे पास भी पैसा नहीं रहता है, हम लोग सारे सब कंगले हैं हम लोग, तो कुछ नहीं है, अभी तबीयत ख़राब है यार। इस ब्लॉग को बहुत छोटा सा सिंपल स्वीट ब्लॉग बना है, तो ब्लॉग ख़त्म करते हैं और अभी थोड़ा सा देखेंगे एडिटिंग हो पाई तो हो पाई, अदरवाइज कल सुबह उठ के करेंगे, लेकिन ब्लॉग आना इज़ इम्पोर्टेंट। तो मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस बूम।